अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स। इसमें हमारे पास ये चार प्रॉपर्टीज होती हैं बेसिकली। फर्स्ट क्या है, अगर लॉगरिथम ऑफ, यहाँ पर कंडीशन लिख देते हैं, इफ बी इज ग्रेटर देन जीरो, बी इज नॉट इक्वल टू वन एंड ए कॉमा सी, ये दोनों में क्या ग्रेटर देन जीरो एंड आर इज रियल नंबर, आर इज एनी रियल नंबर तो हमारे पास प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी इसकी, नंबर वन लॉग ऑफ, ठीक है, बी इसकी बेस है, ए सी इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग सी। प्रॉपर्टीज आपने पहले पढ़ी होंगी, बस को रिवाइज करें। इस प्रॉपर्टी का नाम हमारे पास क्या होता है, इस प्रॉपर्टी का नाम होता है प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आगे यूज करेंगे इनको, प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास क्या होती है, नंबर टू लॉग बी ए डिवाइड सी इक्वल टू लॉग बी ए माइनस लॉग बी सी। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कोशेंट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी लॉग बी ए टू द पावर आर, दिस इज इक्वल टू आर टाइम्स लॉग ऑफ बी ए, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, आपके पास जो पावर है उसको आप शुरू में लिख देंगे, लॉग प्रॉपर्टीज हो गई। इस प्रॉपर्टी का नाम हो गया पावर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास है, ये ऑलमोस्ट सेम ही है एक तरह से, लॉग ऑफ बी वन अपॉन सी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ बी सी, ठीक है। उसको आप पावर प्रॉपर्टी के जरिए बना सकते हैं, क्या आप कहते हैं सी की पावर माइनस वन हो जाएगा, अब पावर आपको शुरू में शिफ्ट हो जाएगी माइनस वन लॉग बी सी। तो ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, ये पावर प्रॉपर्टी आ सकती है, इसमें से इसी से बनी पावर प्रॉपर्टी हुई है, बोलते हैं ऐसी प्रॉपर प्रॉपर्टी। आप एक दो क्वेश्चन करते हैं ताकि हम इसको मुकम्मल करें, इसकी प्रॉपर्टीज यूज करते हुए। हमारे पास अगर लिखा हुआ है एग्जांपल, लॉगरिथम ऑफ एक्स वाई टू द पावर फाइव अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ जेड, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। सबसे पहले इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है, कोशेंट की लग जाएगी इसके अंदर, लॉग ऑफ, ठीक है, डिवाइड वाली प्रॉपर्टी, कोशेंट वाली। तो कोई नंबर आपस में इस तरह डिवाइड हो रहे हैं, तो लॉग ऑफ एक्स y पावर 5 माइनस लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ z, फिर क्या हो जाएगा हमारे पास,
दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी लगा देंगे, प्रोडक्ट की लगा दो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई टू पावर फाइव माइनस लॉगरिथम ऑफ जेड स्क्वायर रूट ऑफ जेड। अब यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, मजीद प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी यहाँ पर, लॉग ऑफ एक्स, इसकी पावर प्रॉपर्टी लग जाएगी, पावर ऊपर इसको इधर फर्स्ट में शिफ्ट कर देंगे, फाइव टाइम्स लॉगरिथम वाई माइनस एंड स्क्वायर रूट ऑफ जेड, मतलब इसकी क्या पावर है, 1/2 है, तो इसको शिफ्ट कर दें 1/2 टाइम्स लॉगरिथम ऑफ जेड। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल है हमारे पास लॉगरिथम ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टू, तो फाइंड करो एक्स, फाइंड एक्स, इसमें अगर आपने एक्स फाइंड करना तो आप क्या करेंगे, लॉगरिथम की अगर कोई बेस नहीं लिखी इसमें, इसकी बेस क्या होगी यहाँ पर, 10 होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगा, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, लॉग बी एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टू लिखा हुआ है, तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू बी टू द पावर वाई, एक्स इक्वल टू बी, बी यहाँ पे क्या है, 10 है, बेस 10 है यहाँ पे, अगर कुछ नहीं लिखी हुई, और इट्स का स्क्वायर रूट ऑफ टू। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 की पावर स्क्वायर रूट ऑफ 2, आप इजीली पढ़ लें इसको, बस कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, एक्स इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 10 की पावर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 1.14 कुछ होता है मेरे ख्याल से, तो 25.95 एंड सो ऑन, कोई भी डॉट्स वगैरह आएंगे। एक और क्वेश्चन है इस तरह से, अगर आपने फाइंड करना हो पार्ट बी वाली चीज को, ln x plus 1 equal to 5। ठीक है, आप अगर इसको फाइंड करना है तो क्या करेंगे भाई, हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या हो जाएगा, x plus 1 equal to e to the power 5, जब भी ln आता है आपको याद रखना है वहां पर क्या होगी, इसकी बेस क्या होगी, हमेशा e होगी, नेचुरल लॉगरिथम है, तो x plus 1 ये टर्म जो है हमारे पास x टर्म होती है x इक्वल टू b टू द पावर y, तो ये इस साइड पे टर्म होती है y होती है, तो x प्लस 1 इक्वल टू e टू द पावर 5 लिख दिया हमने। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, x प्लस x इक्वल टू e टू द पावर 5 माइनस 1 कर देंगे, आप e टू द पावर 5 मतलब 2.7 रख के आपने नंबर रखना है, और c पावर 5 तक पढ़ लेनी है, तो कैलकुलेटर में डायरेक्टली आप पुट करके इसको फाइंड कर लें, तो आपके पास आ जाता है 147.41 आपके पास एक्स आ गया। अब इसके अलावा हमारे पास है सही, इस एग्जाम्पल में भी क्या है, सॉल्व फोर एक्स, सॉल्व फोर एक्स, ठीक है, सब लोग कहते हैं हम आपके फंक्शन अप्लाई करते हैं, इसके अंदर सॉल्व करेंगे, फंक्शन आपको दिया हुआ है ए टू द पावर एक्स
माइनस ई टू पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई टू इक्वल टू वन। इक्वेशन है, सॉल्व करनी है, सॉल्व फॉर एक्स, आपने इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करके क्या हो जाएगा हमारे पास, e टू द पावर x इक्वल टू कैसे लिखें, माइनस e टू द पावर माइनस x इक्वल टू टू। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, e टू द पावर x एंड मल्टीप्लाई अगर e टू द पावर माइनस से कर दो इसको मल्टीप्लाई बाय ई टू द पावर एक्स, ठीक है, ई टू द पावर एक्स को मल्टीप्लाई कर दूँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, पावर एड होके इंक्रीज हो जाएगी, ई टू द पावर टू एक्स हो जाएगी। और यहाँ पर ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर नेगेटिव एक्स, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ पर पावर एड होंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स जीरो, e टू द पावर जीरो इक्वल टू वन हो जाएगा एंड इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा टू टाइम्स e टू द पावर x। नेक्स्ट करेंगे इसको सिंप्लीफाई, e टू द पावर टू एक्स माइनस टू टाइम्स e टू द पावर x एंड माइनस वन इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या हो जाएगा, लेट कर लेते हैं अभी यहाँ पर अपनी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, एक वेरिएबल के क्वाड्रेटिक फॉर्म में बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन, लेट u इक्वल टू e टू द पावर x, तो इट्स मीन e टू द पावर टू एक्स किसके बराबर हो जाएगी, u स्क्वायर के बराबर हो जाएगी, हो जाएगा हमारे पास u स्क्वायर माइनस टू यू माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे इसको एक क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर, फॉर्मूला लगा दें इसके ऊपर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला u इक्वल टू माइनस बी माइनस माइनस प्लस ई टू आ जाएगा टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, यहाँ पर क्या है माइनस टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर माइनस फोर ए सी, ए और सी यहाँ पर क्या है वन एंड माइनस वन है, हो जाएगा माइनस 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 प्लस फोर ए सी, फोर 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 वन का फोर, और अपॉन में क्या आ जाएगा टू ए टू वन का टू। नेक्स्ट इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, इक्वल टू टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एट डिवाइड बाय टू एंड फाइनली हम क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, टू यहाँ से कॉमन ले लें, इसको स्क्वायर रूट ऑफ एट में क्या आएगा टू इंटू फोर, इसके फैक्टर बन जाएंगे ना, फोर से इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो टू प्लस माइनस टू टाइम स्क्वायर रूट ऑफ टू, तो वन वन प्लस माइनस, ठीक है सिंप्लीफिकेशन का स्टेप है, स्क्वायर रूट ऑफ टू बचेगा हमारे पास। अब ये किसकी वैल्यू आई, यू की वैल्यू आई है, यू की वैल्यू किसके बराबर है, यू ने लेट किया था ई टू द पावर एक्स के बराबर लेट किया था, ई टू द पावर एक्स इक्वल टू वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टू, ये हो जाएगा हमारे पास। तो इट्स मीन हमारे पास ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन की दो वैल्यूज आ गई, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो नेगेटिव वैल्यू एक्सपोनेंशियल फंक्शन की हो सकती है, यहाँ पर हमारे पास ई क्या हमने क्या रखा हुआ है, पॉजिटिव होगा हमारे पास, क्या हो जाएगा यहाँ पर, देयरफॉर ई टू द पावर एक्स इक्वल टू वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टू। अब हम फाइंड करेंगे एक्स की वैल्यू, तो हम अपना यहाँ रूल लगा देंगे, टेकिंग नेचुरल लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, जब मैं नेचुरल लॉगरिथम ले लूंगा दोनों साइड पर, ln e to the power x equal to ln 1 plus square root of 2, ये हो जाएगा। अब ये हमने रूल पढ़ा था, ln एंड e कैंसिल आउट ईच अदर इफेक्ट, ठीक है, एंड हमारे पास क्या बच जाएगा x, x equal to एल एंड वन इक्वल टू फाइंड कर लोगे जीरो आ जाएगा एंड एल एंड स्क्वायर रूट ऑफ टू आपके पास
approximately equal to 0.881. Change of base formula. क्या आप लोग एल्थम की बेस चेंज कर सकते हैं? उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? अगर आपको फाइंड करना हो, फॉर्मूला होता है हमारे पास लॉगरिथम ऑफ बी एक्स इक्वल टू एल एन एक्स डिवाइड बाय एल एन बी. ये इस तरह से होता है. ये हमें पता है कि वाई इक्वल टू क्या होता है, लॉग बी एक्स होता है. इसकी डेरिवेशन इस तरह से आती है. और इसका मतलब बी टू द पावर वाई इक्वल टू एक्स होता है. ठीक है, अगर आप दोनों साइड पे लॉगरिथम ले लें नेचुरल लॉगरिथम तो क्या हो जाएगा? दोनों साइड पे नेचुरल लॉगरिथम लें, एल एन बी टू द पावर वाई इक्वल टू एल एन एक्स. ठीक है, यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी लगेगी लॉगरिथम की y ln b इक्वल टू ln x और फाइनली y इक्वल टू ln x अपॉन ln b. तो ये इस तरह से डेरिवेशन इसकी आ जाती है, y इक्वल टू ln x अपॉन ln b. और y किसके बराबर है मेरा? तो y तो शुरू से लेके चल रहे हैं हम, y मेरा बराबर है log bx के. तो मैं लिख सकता हूँ उसकी यहाँ पे, इट्स मीन logarithm of bx equal to ln x upon ln b. ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास होता है चेंज ऑफ बेस फार्मूला. अगर आपके पास बेस फार्मूला, इसमें बेस क्या है, b जो है आपके पास डिफरेंट है 10 के अलावा हो जैसे, तो इसकी एग्जांपल भी करते हैं. फाइंड करें लॉगरिथम ऑफ बेस टू फाइव. ठीक है, इससे पहले हमने जो भी लॉगरिथम पढ़ा बेस 10 में पढ़ा है, इसको हमने फाइंड करना है. तो हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला लगाएंगे चेंज बेस का, लॉग ऑफ टू फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, एल एन एक्स, एक्स यहाँ पे क्या है फाइव के बराबर है, एल एन फाइव डिवाइड बाय एल एन टू. अब आपने एल एन फाइव मालूम कर लेना है यहाँ पर, एल एन फाइव और एल एन टू मालूम कर लेना है. जो भी आपका आंसर आएगा उसको आपने डिवाइड कर देना है. यहाँ पर हमारे पास 2.3219 कुछ तरह से आ रहा है, तो आपने इसको खुद से वेरीफाई कर लेना है. ठीक है.